परसों यानी कि 15 सितंबर से एशिया कप 2018 की शुरुआत होने वाली है और यहां पर 6 टीमें आपस में खिताब के लिए भिड़ेंगी। आपको बता दें कि डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर को होने वाले मैच के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस खास रिपोर्ट में हम आपको एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैचों के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल 1984 से एशिया कप की शुरुआत हुई और 1984 से 2016 तक एशिया कप में भारत और पाकिस्तान 12 बार आमने सामने हो चुके हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 6 बार पाकिस्तान को हराया है। वहीं 5 मौकों पर पाकिस्तानी टीम ने भारत को धूल चटाई है और एक मैच था जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। यानी कि अगर इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो भारत का पलड़ा ज्यादा भारी है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। वेल, आपको बता दें कि इन दोनों के बीच एशिया कप में आखिरी बार 2016 में भिड़ंत हुई थी और 2016 में भारतीय टीम ने 5 विकेट से पाकिस्तान को मात दी थी। यानी कि अब 19 सितंबर को पाकिस्तान बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।